हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज, लार्ज सुलेवन एंड जिंदर महाल की मेगा अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर क्यों रोमन रेंज नहीं होंगे मनी इन द बैंक लैडर मैच में? प्लस क्या हमें लार्ज सुलेवन वर्सेस जिंदर महाल की फ्यूड या फिर मैच देखने मिलेगी? ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का स्मैकडाउन लाइव काफी अच्छा शो था जहां पर हमें देखने मिले काफी शॉकिंग स्टफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच के बारे में। हमें नंबर वन कंटेंडर की मैच देखने मिली बिटवीन शार्लेट फ्लेयर एंड बेली, और ये मैच जीता शार्लेट फ्लेयर ने। और अब वो फेस करेंगी बेकी लिंच को फॉर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू। और अब दोस्तों बेकी लिंच को रेसल करना पड़ेगा दो बार एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू। फर्स्ट मैच अगेंस्ट लेसी एवेंस फॉर रॉ विमेंस चैंपियनशिप एंड सेकेंड मैच अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर फॉर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू। दोस्तों आज के स्मैकडाउन लाइव के मेन इवेंट में शिंसुके नाकामुरा वर्सेस कोफी किंगस्टन की मैच हुई, जहां पर वो मैच एंड हुई बाय डिस्क्वालिफिकेशन बाय द इंटरफेरेंस ऑफ रूसेफ। बट दोस्तों इस मैच के एंड में केविन ओवंस ने अपना हील टर्न किया और अटैक किया कोफी किंगस्टन पर एंड इवन जेवियर वुड्स पर भी। और फिर ऐसे केविन ओवंस ने चैलेंज किया कोफी किंगस्टन को फॉर WWE चैंपियनशिप एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू। दोस्तों फ्रेंकली स्पीकिंग, हमें पहले ही अंदाजा लग गया था कि केविन ओवंस अपना हील टर्न बहुत जल्द करने वाले हैं ऑन कोफी किंगस्टन। तो फिर दोस्तों देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इनकी मैच ऐड होती है एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू या फिर नहीं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जिंदर महाल एंड लार्ज सुलेवन के बारे में। दोस्तों जिंदर महाल एंड सिंह ब्रदर्स मूव हो गए हैं स्मैकडाउन लाइव पर, जो काफी अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि अब उनका शायद अच्छे से यूज किया जाएगा। और आज के स्मैकडाउन लाइव में जिंदर की मैच थी अगेंस्ट चैड गेबल, बट सडनली लार्ज सुलेवन ने अटैक किया चैड गेबल पर, और फिर उसके बाद वो रिंग में गए जिंदर महाल एंड सिंह ब्रदर्स पर अटैक करने। पर जिंदर महाल रिंग से निकल गए और लार्ज सुलेवन का शिकार बन गए सिंह ब्रदर्स। लार्ज सुलेवन ने बहुत बुरी तरह से अटैक किया सिंह ब्रदर्स पर, और फिर उस ब्रूटल अटैक के बाद उन्होंने तोड़ के रख दिया आर ट्रूथ को भी। तो फिर दोस्तों आने वाले स्मैकडाउन लाइव में हमें जिंदर महाल और लार्ज सुलेवन की फ्यूड शायद देखने मिल सकती है। और अब जब जिंदर महाल स्मैकडाउन लाइव में जा चुके हैं, तो फिर हु नोस, उनका मॉडर्न डे महाराजा वाला गिमिक भी वापस आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। दोस्तों आज के स्मैकडाउन लाइव में हमने देखा शेन एंड इलायस ने अटैक किया रोमन रेंज पर, और ऐसे फिर रोमन रेंज को एक ब्रूटल बीट डाउन का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर इलायस ने चैलेंज दिया रोमन रेंज को फॉर अ वन ऑन वन मैच एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू, और ये चैलेंज रोमन रेंज ने एक्सेप्ट भी कर लिया। दोस्तों सभी को लगा था कि रोमन रेंज जरूर होंगे मनी इन द बैंक लैडर मैच का पार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हुआ। रोमन रेंज इसलिए मनी इन द बैंक लैडर मैच में नहीं है क्योंकि विंस मैकमैन उन्हें बहुत बड़ा पुश नहीं देना चाहते इतने जल्दी, और रोमन रेंज को इतने जल्दी चैंपियनशिप पिक्चर में डालकर रोमन को लोगों से हेट नहीं मिलाना चाहते। इसलिए दोस्तों अभी के लिए रोमन रेंज दूर है चैंपियनशिप पिक्चर से। रोमन रेंज WWE चैंपियन जरूर बनेंगे दोस्तों, बट फॉर दैट हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो रोमन रेंज को आज के स्मैकडाउन लाइव में चीयर्स भी मिल रहे थे, तो फिर विंस मैकमैन रोमन रेंज के इस मोमेंटम को खराब करना नहीं चाहेंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीज़ों के बारे में बताइए। फर्स्ट, आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन लाइव, एंड सेकेंड, क्या आप हैप्पी है अब तक के MITB मैचेस से? सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।